नमस्कार सबको। आज इस सेशन में आप सबका स्वागत है। भक्ति जी आज हमारे साथ नहीं है, उनका उनका तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसके लिए तो इसके लिए मैं चैतन्य नाडकर्णी आपके साथ जुड़ा हूँ। आज हमारे साथ रंजीत जी भी ज्ञान आश्रम से, और आज जो टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आज इसके बारे में एक ये सेशन रहेगा। लेकिन कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभी 20 कुछ लोग आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी एक दो मिनट में और भी जुड़ जाएंगे। तब तक मैं सोच एक दो छोटे कुछ क्विज करते हैं अपने लिए, देखते हैं हम लोग कुछ देख के। तो मैं एक क्विज शुरू करता हूँ, आपके स्क्रीन पे जब आएगा तो आप आपको ये जो जो सही उत्तर लगता है उस वो आपको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर देखते हैं उस सही उत्तर क्या है। तो मैं पहला शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी से भरा हुआ है? इसके तीन उत्तर हैं, 20%, 50% और 70%। आपको क्या लगता है कितना पानी है इस पृथ्वी पर? पृथ्वी पर ठीक है, तो इसका उत्तर यह है 70% जो है पानी से भरा हुआ है। और लगभग 10 लोगों ने जो जिन्होंने उत्तर दिया है सबको करेक्ट करेक्ट आंसर मिला है, तो बहुत अच्छा है। तो ये एक जो हमारी पृथ्वी है एकदम एक यूनिक जैसा चीज है, यूनिक एक पृथ्वी है, जहाँ पे अगर आप जानते हो कोई भी ऐसा, शायद मार्स एक प्लैनेट हो जहाँ पे पानी, अब लोगों को अभी हम लोगों ने जब ये जो सैटेलाइट वगैरह भेजे हैं वहाँ से हमको पता चल रहा है कि मार्स पर भी पानी है। तो हो सकता है कभी वहाँ पे भी कुछ जीव रहते हुए होंगे, लेकिन हमारे अब इम्पॉर्टेंट है कि ये पानी के सिवा तो यहाँ पे कुछ भी हो ना सकता। तो इसका ये पहला रिजल्ट तो बराबर सब निकला, सबके साथ सब लोग ने बराबर से आंसर दिया है। उसका दूसरा भी एक और ये कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें प्रश्न ये है कि हम सब जगह पे पेपर इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, जो भी है, एक टन कागज को अगर आप रिसाइकल करते हैं, दोबारा उसका पेपर बनाते हैं, तो कितने पेड़ बचे जाएंगे उससे? 6 पेड़ बचेंगे, 17 पेड़ बचेंगे या 30 पेड़ बच जाएंगे? एक टन पेपर को आप अगर रिसाइकल करते हैं और नया उसी से नया पेपर बनाते हैं तो कितने पेड़ बचेंगे हमारे से? 6 पेड़ बचेंगे या 17 या 30 पेड़, कितने पेड़ बचेंगे? चलिए देखते हैं कि उत्तर क्या है। कई सारे लोगों ने 30 लिखा है, लेकिन बराबर आंसर, करेक्ट आंसर है 6 पेड़। अगर हम एक टन पेपर का रिसाइकल करके फिर से उसका पेपर बनाते हैं तो हम लोग 6 पेड़ बचा पाएंगे। लेकिन आपको शायद लगता होगा ये 6 पेड़ तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कितनी सिर्फ हमारे देश में कितना पेपर बनता होगा, तो आप समझ पाएंगे कि कितने पेड़ बचा सकते हैं हम लोग सिर्फ रिसाइकल करने से। तो ये है आज ये शुरू करने का मकसद था कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे यहाँ से कितने लोग क्या इस बारे में जानते हैं। तो इसके साथ हम लोग अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। रंजीत जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को, मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रही है जी। तो जैसे अभी हमें चैतन्य सर ने बताया कि पानी का महत्व क्या है, उसी तरह से आज हम ये चर्चा करेंगे कि शाख वाटिका में पानी का महत्व क्या है, और हम स्थायी रूप से अगर शाख वाटिका हमारी बनाना चाहते हैं, स्थायी रूप से मतलब कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में हम सिर्फ शाख वाटिका के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सब तरफ पानी होता है, सब तरफ हरा भरा होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम बीज लगाएंगे,
थोड़ा सा उसका खाद देखेंगे, कीड़ा देखेंगे, तो शाक वाटिका अपने आराम से चल सकती है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में जब बर्फ पड़ती है तब, और राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में भी कई सारे भागों में जब धूप आती है या फिर जब पानी का मौसम खत्म हो जाता है, तब शाक वाटिका बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तब शाक वाटिका को हमें पानी की जरूरत पड़ती है, और हमारे बाकी काम होते हैं, हमें खेती करनी है या फिर हमारे जो बाकी काम है वो देखने हैं, घर संभालना है, और इस हालत में अगर हमें पानी कम पड़ रहा है या फिर पानी बार बार देना पड़ रहा है, एक ही समय में उसको पानी देने की जरूरत है जहाँ पे हम घर में नहीं है, या फिर हमें कोई दूसरा काम है, या फिर पानी कई दूर से लाना पड़ रहा है, तब हम पानी देने की पद्धति या फिर शाक वाटिका में कितना पानी दे ये समझ नहीं पाते हैं, और फिर हमारी शाक वाटिका खराब हो जाती है। तो वापस से हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है शाक वाटिका बनाने के लिए, और वो मेहनत करने के लिए कई बार हम तैयार नहीं होते, क्योंकि तब तक हमारा जो भी एनर्जी है, हमारा जो भी उत्साह है वो कम हो जाता है। कुछ कुछ जगह पे उल्टा भी होता है, हमने ये अनुभव किया है, खास करके शहरों में जब बालकनी में, जब टेरेस में हम शाक वाटिका बनाते हैं, तब ज्यादा पानी देने के वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, खास करके जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तब, क्योंकि हम जब नई नई शाक वाटिका करते हैं तब हमें कुछ ना कुछ वहां पे काम करना होता है, तो हम कई बार ज्यादा पानी दे देते हैं, या फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कितना पानी देना है, तो पानी या तो बहने लगता है नीचे से, या फिर उसमें से हमारे बालकनी में, स्लैब में, या फिर गमलों में कई बार मच्छर बन जाते हैं, या फिर कई और दिक्कतें आती है, तो फिर हमारी शाक वाटिका खराब हो जाती है। इतना ही क्या, अभी हम इतने दिनों से शाक वाटिका बना रहे, लेकिन हमने पूना में अभी जब पिछले साल शाक वाटिका बनाई, मतलब अभी भी वो शाक वाटिका है और अच्छे से चल रही है, लेकिन हमने हमारे ऑफिस में जब शाक वाटिका बनाई एक डेमो की तरह, तब हमने कुछ अलग तरह के गमले इस्तेमाल करने की कोशिश की, मतलब थैलियां इस्तेमाल की, और तब हमने उसका पानी का व्यवस्था ठीक से नहीं देखा, इसलिए हमें काफी दिक्कत हुई। इसका मतलब शाक वाटिका स्थायी रूप से चलाए रखने के लिए पानी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे तो अभी चैतन्य सर ने जैसे कहा, पानी ही जीवन है, क्योंकि हम शाक वाटिका या खेती में मिट्टी के बिना भी खेती कर सकते हैं, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, मतलब सिर्फ पानी के ऊपर की खेती, लेकिन पानी के बिना खेती करना मुमकिन नहीं है, इसलिए पानी ही जीवन है। तो हमें ये समझना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसके वजह से पानी इतना जरूरी है। एक तो हमारे जो पौधे हैं उनको उनका अन्न बनाने के लिए सूरज की धूप और पानी और कुछ अन्न द्रव्य ये चाहिए, और ये सारी चीजें उनको मिट्टी से मिलती है, मतलब सूरज की धूप तो जब उनके ऊपर धूप पड़ती है तब मिलती है, लेकिन पानी और अन्न द्रव्य ये मुख्य तौर पे मिट्टी से मिलते हैं। इसलिए वापस हम एक बार मिट्टी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे तो हमने इसके ऊपर, गणेश सर ने हमारा एक सेशन लिया हुआ है, तो हमें मोटा मोटी पता है कि मिट्टी की जरूरत क्या होती है, लेकिन हम अगर पानी के बारे में सोचेंगे शाक वाटिका में, तब हमें मिट्टी का चयन करते वक्त और भी कुछ चीजें समझनी है। तो ये जो पाई डायग्राम है या फिर पाई चार्ट है, ये आकृति है, ये भी हम आपने पहले देखी हुई है कि साधारण हमें 25% हवा और 25% पानी, ऐसा अगर हमारे गमले में, हमारे मिट्टी में रहेगा, तो ये सबसे आइडियल, मतलब सबसे अच्छी कंडीशन होगी पौधों के लिए। रंजीत जी, मतलब क्या है कि हमारी मिट्टी जो हम शाक वाटिका के लिए चुन रहे हैं, उसमें पानी का निकास होना चाहिए, मतलब इतनी भी चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर इतनी भी गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर इतनी भी ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि ये 25% हवा भी निकाल के उस जगह पे भी पानी फंस जाए।
मतलब पानी का निकास वहां से होना चाहिए। रंजीत जी है कि हेलो रंजीत, सेंद्रीय कर्ब जो है उसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब पानी निकल जाता है पूरा, पानी का निकास हो जाता है, पानी बह जाता है मिट्टी से, तो पूरा का पूरा पानी बहना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 25% मिट्टी ने पानी पकड़ के रहना चाहिए। मतलब अगर 10 किलो मिट्टी है हमारे गमले में, तो उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो लगभग 2.5 लीटर पानी उस मिट्टी ने पकड़ के रखना चाहिए। और ये पानी पकड़ने का जो एक मिट्टी का जरिया होता है वो सेंद्रीय कर्ब या फिर जैविक कर्ब से बनता है, क्योंकि आप देखोगे कि रेती जो है भुरभुरी सी वो पानी नहीं पकड़ पाती, लेकिन हम उसमें कुछ सेंद्रीय खाद डाल देते हैं, जैविक खाद डाल देते हैं, तो उसमें पानी फंस जाता है। तो मिट्टी के दो जो कण है वो भी पानी पकड़ सकते हैं, और उसके साथ अगर सेंद्रीय कर्ब जुड़ जाए तो और अच्छी तरह से उसमें पानी पकड़ने की क्षमता आएगी। तो इसलिए हमें ये 25-25% को ठीक से समझना है। और ये सारा कहाँ तक होना चाहिए? लगभग 1 से 1.5 फीट तक। मतलब हमारे जमीन में जहाँ पे हमने शाक वाटिका की है वहां पे नीचे मिट्टी काफी अच्छी है लेकिन ऊपर सारी रेती है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उसकी जड़ें लगभग 6 इंच से 12 इंच या फिर 18 इंच तक बढ़ेंगे, मतलब 1 से 1.5 फीट तक। तो उसमें हमें ये आइडियल जो मिट्टी है या फिर आइडियल जो प्रमाण है ये 25-25% का होना जरूरी होता है। वापस एक बार हम सेंद्रीय कर्ब के बारे में थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि मिट्टी बनाना हमारे हाथ में नहीं है, मिट्टी कुदरत बनाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 सेंटीमीटर की मिट्टी बनने के लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत बनने के लिए लगभग 1 लाख साल लग सकते हैं। मतलब इतने लाख इतने करोड़ सालों से ये प्रक्रिया चल रही है और तब जाके हमें ये मिट्टी मिली है। तो अभी जो मिट्टी हमें मिली है वो मिली है, हम दूसरे गांव से जाके या फिर दूसरे किसी प्रदेश से जाके मिट्टी खरीद नहीं सकते या फिर ला नहीं सकते। खास करके शाख वाटिका के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कई बार किसान किसी डैम में से या फिर किसी ऐसे जगह से मिट्टी लाके खेत में डालते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, लेकिन हम शाख वाटिका में ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी मिट्टी हमारे पास उपलब्ध है, कई बार शहरों में मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, उसमें रेती होती है, सीमेंट मिक्स हुआ होता है, पत्थर होते हैं। कई बार गाँव में भी हमारे घर के पास अच्छी मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि हम घर पहाड़ी के ऊपर बनाते हैं, वहां से मिट्टी बह के जाती है। तब हमें सेंद्रीय कर्ब अच्छी तरह समझ के उस मिट्टी को उसकी पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमने गणेश सर के सेशन में ये पहले भी देखा है कि ये जो कर्ब है, जैविक कर्ब या फिर सेंद्रीय कर्ब, ये मिट्टी को उपजाऊ क्यों बनाता है? क्योंकि वो वहां पे सूक्ष्म जीव पालता है, मतलब सूक्ष्म जीवों को हम सेंद्रीय कर्ब खाने के लिए देते हैं, और जो अन्न द्रव्य है वो सेंद्रीय कर्ब से पौधों को मिलता है और ये मिट्टी के ऊपरी परत में होता है। तो अगर हम 1 किलो अच्छा जैविक खाद लेंगे, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में सेंद्रीय कर्ब कह रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा में, बोली भाषा में हम इसको क्या कहेंगे कि एक अच्छा खाद, जैविक खाद। तो अगर हम 1 किलो अच्छा जैविक खाद लेंगे, मतलब अच्छा सड़ा हुआ, अच्छा बना हुआ जैविक खाद, जो कि चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा होगा, उसको मीठी खुशबू होगी, ऐसा अगर हम सेंद्रीय खाद लेते हैं, जैविक खाद लेते हैं, तो वो 10 लीटर तक पानी पकड़ सकता है। मतलब इतनी ज्यादा उसमें पानी पकड़ने की क्षमता है। तो अगर ऐसा मान के चले कि हमने हमारे मिट्टी का 1% जैविक खाद से बदल दिया या फिर 1% हमने उसका सेंद्रीय कर्ब बढ़ा दिया, तो 1 एकड़ में उसका क्या फायदा होगा? लगभग 80,000 लीटर पानी उसमें ज्यादा बैठेगा या फिर वो पकड़ के रखेगा। इसका मतलब मैंने अगर
एक किलो रेती के साथ एक किलो अच्छा जैविक खाद या फिर 9 किलो रेती के साथ भुरभुरे रेती के साथ एक किलो अगर मैं उसमें अच्छा जैविक खाद डालता हूँ तो मेरी जो मेरा जो गमला है जिसमें अभी 10 किलो पूरी मिट्टी होगी रेती और जैविक खाद मिला के उसमें लगभग 10 लीटर पानी पकड़ने की क्षमता होगी। तो अगर इसमें पानी 10 लीटर पकड़ा जा सकता है तो इससे फायदा क्या होगा कि इससे मुझे बार बार हाँ हेलो रंजीत तुमचे प्राय पीपीटी दिसत नाही आहे का? ओके मी परत एकदा शेअर करतो स्टॉप करून। हाँ सॉरी मेरी पीपीटी दिखना बंद हो गई थी अभी मैंने देखा मैसेज अभी दिख रही है क्या चैतन्य सर? जी अभी दिखाई दे रही है। अभी दिखाई दे और हम इसी स्लाइड पे थे जी। अच्छा ओके तो जब हम इस तरह से हमारा गमला भरेंगे जिसमें अच्छा जैविक खाद होगा उसमें 25% हवा 25% पानी पकड़ने की क्षमता होगी तो हमें वहां पे बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा या फिर जितना भी पानी हम देंगे वो पौधों को अच्छी तरह उसको मिल जाएगा। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि हम ये गिनेंगे कैसे कि मेरे मिट्टी में 25% हवा है और 25% उसमें पानी है। हम तो यहाँ पे प्रयोगशाला में वो मिट्टी ले जाके उसका परीक्षण करके ये देखते हैं लेकिन घर में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें काफी आसान सी एक हम परीक्षण कर सकते हैं हमारे मिट्टी का। इसको हम लड्डू टेस्ट कहते हैं, लड्डू बनाने की टेस्ट। इसको शास्त्रीय भाषा में वापसा कंडीशन कहते हैं। वापसा कंडीशन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें ज्यादा हुआ पानी भाग बन के या फिर मिट्टी में से बह के चला गया है और मिट्टी में 25% पानी बचा हुआ है। तो ये लड्डू टेस्ट हम कैसे करेंगे कि मिट्टी हाथ में लेके उसको लड्डू की तरह अगर दबाएंगे तो लड्डू बन जाता है लेकिन उसमें से पानी नहीं बहता है और इसका मतलब यह है कि मिट्टी में पानी धारण क्षमता योग्य पद्धति से आ चुकी है। और अगर हम उसको लड्डू बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें से पानी निकलता है तो उसमें पानी ज्यादा है। और अगर इस तस्वीर में दिखाए दिए जैसे वो मिट्टी वैसे ही भुरभुरी रहती है रेती की तरह, इसका मतलब उसमें उसकी पानी धारण क्षमता कम है। तो पानी धारण क्षमता ज्यादा है तो हमें उसमें थोड़ी सी रेती मिलानी पड़ेगी। अगर पानी धारण क्षमता बहुत कम है तो हमें उसमें जैविक खाद बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक अच्छी पानी पकड़ने वाली और पानी का निकास करने वाली मिट्टी बना सकते जिससे हमारे हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों को एक अच्छा वातावरण एक अच्छा वहां पे एक कंडीशन मिलेगा और पौधों की जो बाड़ है वो अच्छी होगी। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारी मिट्टी अच्छी बन चुकी है हमें जैसे चाहिए वैसी मिट्टी हमारी है पानी पकड़ने की योग्यता उसमें है पानी का निकास होने की योग्यता उसमें है तो शाख वाटिका को हम के कौन से अलग अलग तरीके से पानी दे सकते हैं। एक तरीका तो सबको पता है जो हम खेत में इस्तेमाल में लाते हैं कि पानी को खुला छोड़ देना, मतलब पानी को पौधों के नजदीक से बहने देना। ये तरीका किसान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, हम खेत में इसका इस्तेमाल करते हैं। शाख वाटिका में भी इसी तरह से हम पानी दे सकते हैं। अगर हमारे पास पानी की टंकी है जिसको एक पाइप जुड़ा हुआ है तो हम इससे पानी दे सकते हैं। लेकिन ये तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, मतलब पानी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, अतिरिक्त पानी बह जाता है। और दूसरा इससे पानी बहना तो एक चीज हो गई लेकिन जो हमने इसमें खाद डाले हुए है अलग अलग अन्न द्रव्य डाले हुए है
ये भी सारे बह जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि बारिश के समय में जब पानी ज्यादा हो जाता है शाख वाटिका में, तब कई बार खास करके बारिश खत्म होने के समय में, मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अगस्त या फिर सितंबर महीने में हमें शाख वाटिका में वापस खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर पौधे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश के पानी के साथ कई सारे अन्न द्रव्य बह जाते हैं। तो इस तरह से पानी देना या फिर पानी को छोड़ना शाख वाटिका में भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास यही एक तरीका है, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। मतलब एक ही समय अगर हम पानी दे सकते हैं तो कोशिश करनी है कि सुबह और शाम को दो बार पानी शाख वाटिका में देना है योग्य मात्रा में। हर मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, इसलिए इतना लीटर पानी देना है ऐसा हम नहीं कह सकते, योग्य मात्रा में उसको हमें पानी देना है। दूसरा तरीका ये भी है, उससे थोड़ा सा अच्छा, कि हम एक अच्छे पानी देने के सिंचाई करने के बर्तन से, जिसको हम वाटर कैन कहते हैं, उससे हम पानी दें और उसको आगे हम पानी फैलने वाला फवारा लगाएं, ताकि जड़ें खराब ना हो जाए, पानी योग्य मात्रा में हर तरफ फैले, और अगर जरूरत पड़े तो हम उसको पौधों के ऊपर भी डालें, मतलब पत्तों के ऊपर, ताकि अगर वहां पे कोई कीड़ है, कोई कीटक है, तो वो भी पानी के साथ बहके जाए। तो आमतौर पे हम एक दिन में 2 लीटर तक पानी हमारे गमलों को देने का सोच सकते हैं, लेकिन ये प्रमाण हमें हमारी मिट्टी, हमने कौन से पौधे लगाए हैं और उस समय का मौसम कैसा है, इसके ऊपर से हमें तय करना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका ये होगा कि हम बूंद बूंद से पानी दे, मतलब जिसे हम इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी में भी आप इसको ड्रिप सिंचन या फिर ड्रिप इरिगेशन ही कहते होंगे, या फिर इसको बूंद बूंद पानी का सिंचन या फिर टबक सिंचन भी कहते हैं। तो इस तरह से भी हम पानी दे सकते हैं। इसमें एक अच्छा तरीका ये है कि हम हमारे गमलों में या फिर अगर हमने प्लास्टिक की थैली या फिर गोनी ली है, उसमें हम मिट्टी का बर्तन रख रहे हैं, ताकि उस मिट्टी के बर्तन से पानी का जो निकास होगा, उसका जो परकोलेशन होगा, वो धीरे धीरे होगा और सब तरफ पानी फैल जाएगा। तो इस तस्वीर में जैसे दिखाई दिया है उस तरह से हमें एक मिट्टी के गमले को, वो गमला अगर कच्चा होगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके जो होल है, उसके जो पोर्स है, वो ज्यादा खुले हुए होते हैं। जब हम काफी पका हुआ मिट्टी का गमला लेते हैं तो वो सख्त होता है, उससे पानी का निकास जल्दी नहीं हो पाता। तो अगर ये थोड़ा सा कच्चा गमला होगा तो उसको हमें हमारा जो शाख वाटिका का गमला है या फिर थैली है या फिर जो भी पौधे है जमीन में लगाए हुए, उसके बाजू में इसको हमें लगाना है, उसको उसके मुंह तक मिट्टी से या फिर हमारे जो शाख वाटिका में सूखे पत्ते है उससे उसको ढक देना है, उसके ऊपर भी हो सके तो हमें कोई एक ढक्कन लगा देना है, चाहे वो कोई पत्थर हो या फिर कोई पर्ची हो, वो उसको हमें ऊपर से लगाना है और उसमें हमें रोज पानी देना है, ताकि धीरे धीरे दिन भर उसमें से पानी का निकास हो सके। तो अपने आप मिट्टी में 25% हवा और 25% पानी की मात्रा बनी रहेगी और जड़ों को सफोकेशन नहीं होगा, मतलब जड़ों को ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं पड़ेगी और पौधे अच्छी तरह से बढ़ेंगे। अभी कई बार दिक्कत ये आती है कि ऐसे मिट्टी के गमले मिलते नहीं है। पहले गांव-गांव में ऐसे मिट्टी के बर्तन मिलते थे और खास करके ऐसे कच्चे बर्तन अभी मिलते नहीं है। तो उस केस में हम हमारी जो कोका कोला या फिर पानी की बॉटल आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस एक बार इस तस्वीर में दिखाए उस तरह से उसको कुछ
खोल करके उसको हमारे गमले में या फिर हमारी थैली में उसको अंदर लगा देना है। ये हम जब हमारा गमला भरते हैं उसी वक्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर हमें उसमें रोज पानी भरना है। इसमें दिक्कत ये आती है कि हमें इसके साथ पानी भरने के लिए भी एक कोई फनेल लगेगा, नहीं तो हम इतने छोटे से बोतल के मुंह में से पानी नहीं भर सकते। और दूसरी इसमें दिक्कत ये आती है कि मिट्टी के गमले से इससे पानी का निकास जल्द है, या फिर हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी है, बिल्कुल पानी नहीं पकड़ती है, तो इससे दिक्कत क्या आएगी कि पानी जल्दी वापस बह जाएगा। लेकिन सिर्फ वाटर कैन से पानी देने से तो ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा है। ये बोतल लगाते वक्त हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका ढक्कन हम वापस लगा दे सकते हैं, ताकि बोतल में हवा धीरे धीरे अंदर जाए और पानी धीरे धीरे बाहर निकले। तो इस तरह से भी हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट दिखा है। अगर हमें पॉसिबल है तो हम इस तरह से भी इन बोतलों का हम सलाइन लगाते हैं उस तरह से, तो उसको एक पाइप लगा के उसको अगर हम वो सलाइन का छोटा कॉक लगा पाए तो ऐसे भी हम शाख वाटिका में खास करके पानी देने का तरीका ढूंढ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपने शायद YouTube के ऊपर देखा होगा, WhatsApp में देखा होगा, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करिए। इसका मेन पर्पस क्या है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी एकदम से भुरभुरी नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी तरीके से हम पानी दे सकते हैं। अगर हम हमारी शाख वाटिका स्थायी रूप से बना के रखना चाहते हैं, हमें बार बार उसमें नए पौधे लगाने पड़े या फिर वो पूरे खराब हो जाए, नए पौधे नए बीज हम लाए, ऐसा अगर हम नहीं कर रहे, या फिर हम हमारी शाख वाटिका हमारे घर के जो भी हमारी सब्जियों की जरूरत है उसके लिए साल भर बनी रहे, या फिर उसमें से हमें कुछ आमदनी भी हो, ऐसा अगर हम जब सोचते हैं, तब हमें बाजार से कुछ चीजें खरीद के उसका एक अच्छा ड्रिप सिस्टम हम बना सकते हैं। तो एक तो हम हमारा ड्रिप सिस्टम हम खुद बना सकते हैं, इस तस्वीर में दिखाया गया है उस तरह से, मतलब जो भी खराब पाइप पड़े हुए है उसको टंकी के साथ जोड़ के उसको छोटे छोटे होल बना देना और उसमें से पानी का निकास हो, ऐसे देखना। तो ये तो हो गया हमारे घर का बनाया हुआ ड्रिप। अगर हम या तो अगले पिछले तस्वीर में हमने दिखाया था उस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई हमारी जो बकेट है उसको हम ऊपर लटका के उसमें से छोटे पाइप भी निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी पड़ा हुआ सामान है उससे हमारा खुद का ड्रिप सिस्टम बनाना, तो इससे पानी की लागत कम हो जाएगी, हमें जितना जरूरत है उतना ही हम पानी दे पाएंगे और हमें बार बार पानी देने के लिए वहां पे उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार टंकी भर के जब चाहे तब शाख वाटिका में पानी छोड़ सकते हैं। और इसको हम अलग अलग स्तर पे बना सकते हैं, मतलब सिर्फ एक गमले के लिए बॉटल लगा के पानी का इस्तेमाल करना, या फिर कुछ पौधों के लिए करना, या फिर पूरे के पूरे शाख वाटिका को एक अच्छा सा सिस्टम बनाना पानी देने का। तो जो सिस्टम, जो ड्रिप सिस्टम है, वो जब हम बाजार से खरीदते हैं वो लगभग ऐसा दिखता है, मतलब अलग अलग कंपनी का ड्रिप सिस्टम अलग अलग रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक वाटर टैंक होता है, पानी की टंकी जो कि हमारी खुद की होगी, बाद में उसके एक पानी बाहर आने का एक पाइप होगा, वहां पे एक छोटा सा ड्रिप एक फिल्टर होगा, ड्रिप का मतलब पानी फिल्टर करने का एक छोटी सी जाली, उसके बाद में एक मेन पाइप होगा और काले पाइप हर पौधे के पास जाएंगे जिसमें छोटे छोटे ड्रिपर लगे होंगे, मतलब छोटी छोटी बूंदे गिराने का एक छोटा सा अटैचमेंट। तो या तो ये पाइप के अंदर ही लगा होगा, मतलब हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा, जिसको हम इनलाइन ड्रिप कहते हैं, या फिर एक बटन की तरह हमें ये बाहर दिखाई देगा जिसको हम आउटलाइन ड्रिप या फिर ड्रिपर सिस्टम कहते हैं। तो
ऐसे ड्रिप हमें बाजार में अलग अलग कंपनी के हम खरीद सकते हैं, हमें ये बाजार में उपलब्ध है। कई सारी कंपनी है, जैसे भारत की बड़ी कंपनी है जैन इरिगेशन, वो आपको आपके गांव में आपके जगह में मिलते हैं कि आप देख सकते हो। नेटाफेम नाम की एक कंपनी है, या फिर एक ड्रिप टेक नाम की भी कंपनी है जिसका हमने सिस्टम शाख वाटिका के लिए कुछ सालों पहले इस्तेमाल करके देखा था, जब ये कंपनी नई नई बनी थी तब। तो ये जो ड्रिप टेक नाम की कंपनी है, ये सस्ते ड्रिप बनाने के लिए फेमस है। सस्ता कम लागत वाला ड्रिप सिस्टम ये लोग बनाते हैं। जब हमने इनसे खरीदा था टेस्टिंग के लिए, तब ये अकेले बनाते थे, लेकिन अभी ऐसे सिस्टम, सस्ते वाले सिस्टम बनाने वाले कई सारी कंपनीज भी है। तो इसमें ड्रिप टेक की कंपनी के वेबसाइट के अगर आप देखोगे तो उसमें आपको किचन गार्डन के लिए भी एक इनका किट मिलेगा, मतलब किचन गार्डन शाख वाटिका बनाने के लिए भी इन्होंने एक ड्रिप का सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें ये सारी चीजें वो हमें देते हैं। इसकी कीमत अभी मुझे पता नहीं है, 2 साल पहले हमने इसको खरीदा था, लेकिन आपके गांव में, आपके आजू बाजू के गांव में अगर ये सिस्टम कोई बेच रहा है तो आप उनको पूछ सकते हो कि इसकी लागत कितनी आ सकती है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, एक तो टंकी को लगाने वाला एक निपल आएगा, उसका कॉक आएगा, एक छोटा सा फिल्टर आएगा, और फिर हमारे पौधों की तरफ जाने वाले ड्रिप के पाइप, और वहां पे पौधों के नजदीक पानी बूंद बूंद गिरने के लिए ड्रिपर, या फिर एक छोटा सा छेद। ऐसा ये सिस्टम होता है, और एकदम सस्ता वाला सिस्टम हमें 1 या 1.5 हजार रुपए में भी अभी बाजार में उपलब्ध हो सकता है। तो आपके आजू बाजू में कौन सी कंपनी ऐसा शाख वाटिका के लिए ड्रिप सिस्टम बेचती है, ऐसा आप देख सकते हो, या फिर जो भी उपलब्ध है वो सामान खरीद के उसको एक साथ जोड़ के आपका खुद का ड्रिप बना सकते हो। लेकिन बूंद बूंद पानी देना कभी भी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे ना ही पानी की मात्रा एकदम से ज्यादा दी जाती है और ना ही पौधों को एकदम से पानी की कमी हो जाती है। तो एक जैसा पानी हमेशा बना रहता है, इसके वजह से हमें शाख वाटिका में उत्पादन ज्यादा मिलता है। अभी ड्रिप के साथ हमें और एक चीज समझनी है, जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तब, वो है मल्चिंग। मल्चिंग मतलब मिट्टी को पूरी तरह से ढकने वाला एक आवरण। तो ये मल्चिंग करना भी शाख वाटिका में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप बाल्टी से पानी दो, या फिर ड्रिप से दो, या फिर पाइप से दो, किसी भी तरीके से दो, लेकिन मल्चिंग होना बहुत जरूरी है। जो लोग शाख वाटिका में मल्चिंग करेंगे उनको स्थायी रूप से शाख वाटिका बना के रखने में काफी आसानी होगी। तो मल्चिंग में हम क्या करते हैं कि मिट्टी को पौधों के जड़ों के साथ, मतलब पौधों का जो भी उसका शूट रहेगा उसके बाजू में उतना जगह छोड़ के हम मिट्टी को पूरी तरह ढक देते हैं, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है उस तरह से। तो हम इसको कैसे ढक सकते हैं, चाहे वो सूखा कचरा हो, पुराने अखबार हो, या फिर हमारी गोनियां हो, गोनी जो हम बाजार से कोई चीजें अनाज खरीद के लाते हैं वैसी गोनी, या फिर पुराने प्लास्टिक के पेपर हो, इसको हमें मिट्टी से, इसका इस्तेमाल करके हमें मिट्टी को पूरी तरह ढक देना है, ताकि सूरज की धूप के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। इससे हमें 2-3 प्रकार के अच्छे फायदे होते। एक तो सूरज की धूप मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट आके नहीं गिरती है, तो हमें फायदा यह होता है कि पानी की बचत हो जाती है। दूसरा, हमारे जो सूक्ष्म जीव है जो कि हमारा सेंद्रिय कर्ब बढ़ाने के काम में आ रहे हैं, अन्न द्रव्य पौधों को इस्तेमाल करके देने के काम में आ रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी सूरज की धूप में अति नील किरणें हैं, मतलब यूवी रेस है, वो मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो वहां पे केंचुए या फिर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, जब हम सूखा कचरा या फिर कोई भी जैविक चीजों का इस्तेमाल करके मल्चिंग करते हैं, तब ये धीरे धीरे सड़ जाता है और उसका भी अच्छा खाद बन जाता है। तो उसके वजह से पानी की लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। तो
हमने आज के सेशन में ये देखा कि पानी हमें किस तरह से देना है, मतलब पानी देने के अलग अलग तरीके क्या है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि मिट्टी में अगर हमें पानी योग्य तरह से देना है या फिर शाक वाटिका में पानी हमें कम लागत में देना है या फिर अच्छी तरह से देना है तो मिट्टी की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें जैविक खाद या फिर सेंद्रिय कर्म का इस्तेमाल करके क्या फायदा होता है, और अगर हम उसमें आवरण करें मतलब मल्चिंग करें तो उसका हमें फायदा क्या होगा। हमने ये भी देखा कि पानी देने की अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों के बारे में सोच के शाक वाटिका में पानी देने की व्यवस्था करेंगे तो हमें पूरे साल भर स्थायी रूप से शाक वाटिका अच्छे से करने में मदद होगी, वो खराब नहीं होगी, या फिर कभी बहुत बारिश का पानी आ गया इसलिए पौधे सड़ गए, या फिर बहुत ही ज्यादा पानी कम हो गया हम पानी नहीं दे पाए इसलिए पौधे मर गए, ऐसा नहीं होगा। तो मोटा मोटी हमें ये चार मुख्य मुद्दों के ऊपर कुछ सोच के उसको समझ के हमें पानी देने की पद्धति का इस्तेमाल करना होगा। अगर इस तरह से हम पानी का व्यवस्था करेंगे तो हमारे पौधे ज्यादा अच्छी तरह बढ़ेंगे और हमें शाक वाटिका से ज्यादा फायदा होगा। तो आज के सेशन में मुझे आपको इतना ही कहना था। अभी आपके अगर कोई सवाल है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन है वो आप हमें आप बता सकते हो या फिर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। धन्यवाद रंजीत। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ रंजीत जी से कुछ बातचीत करनी हो तो अपना रेज हैंड सिंबल है वो जरा दबा के हमें बता दीजिए कि आपको, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मोहिनी जी आप अपना नमस्ते, बताइए ड्रिप इरिगेशन का ऑटोमेशन करने के लिए क्या करना चाहिए और उसका लगभग कितना खर्चा आता है। तो ड्रिप इरिगेशन का ऑटोमेशन मतलब हमें मैन्युअल एफर्ट लिए बिना ड्रिप अपने आप शुरू हो जाए बंद हो जाए, ये वैसे तो हम शाक वाटिका के लिए रेकमेंड नहीं करते क्योंकि इसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। अभी भारत में 10 एकड़ के ऊपर का अगर ड्रिप का सिस्टम हो तभी ये करना फिजिबल है, क्योंकि इसके लिए जो सेंसर लगते हैं और जो अलग अलग टाइप के मोटर मैकेनिज्म लगते हैं मतलब वॉल लगते हैं ऑटोमेटेड ओपन और क्लोज होने वाले, वो काफी महंगे आते हैं। तो ऐसा करने के बजाय अगर हम हमारे घर में जो बॉटलें हैं अलग अलग उसका इस्तेमाल करके अगर हम उसको कुछ ऑटोमेट कर पाए, या फिर जैसे कहा कि सलाइन की बॉटल है उसका इस्तेमाल करके हम फ्लो रेट कंट्रोल कर पाए तो वो ज्यादा शाक वाटिका के लिए अच्छा होगा। और वैसे तो इसको सस्ते में अगर करना है तो कुछ सेंसर बाजार में मिलते हैं जो कि हॉबी स्केल सेंसर होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम डू इट योर सेल्फ टाइप का एक छोटा सा सिस्टम बना सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 हजार रुपए में यह सिस्टम बन सकता है। ओके थैंक यू। सोनल सोनी जी ने क्वेश्चन आंसर में कुछ चीज लिखी है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुंबई में किचन गार्डन में कैसे देखभाल करना है। हाइड्रेजिनस मतलब क्या इनको कहना है ये समझ में नहीं आया। सुनील जी आप अपना प्रश्न बड़े माइक आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए तो समझ में आएगा। सुनील जी मैंने आपका अनम्यूट किया है, आप बात कर लीजिए। सुनील जी आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा।
जी बताइए। नमस्कार, अभी आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। हाइड्रेंजियाज महाबलेश्वर से हमने दो पौधे लाए हैं, थोड़ा धूप में था तो फूल उसके पत्ती जलने लगे, तो हमने थोड़ा उसे छांव में रखा, उसके बाद उसका फूल अच्छा आया, कलर भी थोड़ा पर्पलिश हो गया था उसका, पर यही है कि अभी उसका और प्रॉपर फ्लावर्स अच्छे आए, उसके लिए क्या किया जाए, उसकी देखभाल के लिए आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? ये कोई फ्लावर प्लांट है क्या? हाँ, हाइड्रेंजियाज बहुत सारे अच्छे में फूल आते हैं, चार चार पत्ती के होते हैं वो, अच्छा, जो अच्छा, कि ठंडे क्लाइमेट में ही रहते हैं। उसका इंग्लिश नाम ही पता है, हिंदी में ये क्योंकि विदेशी पौधा है, जो कि महाबलेश्वर और ठंडे हिली एरिया में ही मिलता है, जैसे स्ट्रॉबेरीज होती है ना महाबलेश्वर में, उसी तरह से ये भी है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि या तो क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से इसको फूल नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हर पौधों का हम उसको कहते हैं मतलब एक वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्शन स्टेज आता है, जो कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही आता है। जैसे कि हमें समर्स में ही आम खाने को मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले फ़रवरी में मैंगोस को फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, तो उसको फ्रूट बर्ड इनिशिएशन हम कहते हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन में वो पौधा आपने रखा है, तो उसको फूल उसी तरह से आएंगे ऐसा शायद नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो वो एक हो सकता है। या फिर अगर वैसा नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा जैविक खाद डाल के देखिए कि कोई न्यूट्रिएंट उसको कम हो रहा है, इसके वजह से अगर उसको फूल नहीं आ रहे क्या। लेकिन फ्रूट बर्ड इनिशिएशन वैसे तो करने के लिए पानी कम किया जाता है, मतलब हम खेती में पौधों का पानी जब कम करते हैं तब उसको फल आते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा होगा ऐसा लगता नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू, धन्यवाद। और भी कुछ मतलब दूसरे भी प्रश्न आप पूछ सकते हो पिछले सेशन के रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पानी के बारे में ही प्रश्न आपको पूछना है, तो ये कोई और भी प्रश्न होंगे तो वो भी पूछ सकते हो। सतीश पाटिल जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, सुन सकते हैं साहब आप? जी बिल्कुल। हाँ, मुझे मेरा सवाल ऐसा है कि किचन गार्डन में जो पानी दिया जाता है वो पानी यदि ट्यूबवेल का है और कॉर्पोरेशन का नल का है, तो पानी दोनों पानी में कुछ फर्क पड़ता है क्या पौधे के लिए, पौधों के लिए क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हेलो, ट्यूबवेल का पानी थोड़ा हार्ड है, कुएं का पानी भी थोड़ा हार्ड होता है, और म्यूनिसिपैलिटी के नल का जो पानी होता है वो जरा सॉफ्ट होता है, तो ये दोनों पानी में फर्क करके पौधे को क्या क्या उसका यानी क्या फर्क होगा उसमें? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दिक्कत तो हमेशा आती है। तो पानी में अंतर क्या है, मतलब ट्यूबवेल का पानी और बोर के पानी में अंतर क्या है, और जब हम कहते हैं कि पानी हार्ड है मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें उसके लिए समझना होगा। तो जब हम कहते हैं कि पानी थोड़ा सा हार्ड है, या फिर कई बार हम कहते हैं कि खारा है, मतलब उसका टेस्ट मीठा नहीं है, तब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ज़्यादा होते हैं मोस्टली। हाँ, समुंदर के तरफ अगर हम जाएंगे तब वहाँ पे सोडियम सॉल्ट भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन समुंदर से हम जब दूर जाते हैं और जब हम बोरवेल से पानी निकालते हैं, खासकर से 200-300 फीट नीचे से, तब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रमाण बढ़ जाता है, और इसके वजह से पौधों को दिक्कतें आ सकती है। तो ये दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम खास करके दूसरे कुछ अन्य द्रवों को अंदर जाने नहीं देते हैं, मतलब वो उनको रोक देते हैं, तो हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में वाटर कंडक्टिविटी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ऐसे कुछ परीक्षण हम वो पानी के करते हैं। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमें हाइड्रोपोनिक्स या फिर कोई पर्टिगेशन, मतलब पानी में घुलने वाले खाद पौधों को देने और कमर्शियल फार्मिंग करनी है, तब शाक वाटिका में इतना ज़्यादा परीक्षण करने की हमें ज़रूरत नहीं है।
अगर हम बोरवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम हार्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमारे शाक वाटिका में जैविक खादों का इस्तेमाल हम बढ़ा दें और मल्चिंग करें। इससे क्या होगा कि इससे वहां पे केचुए बढ़ेंगे। जब केचुए हमें आंख से दिखाई देते हैं इसलिए हमने केचुए कहा, मतलब अर्थवर्म्स, लेकिन जब केचुए बढ़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा होते हैं हमारे शाक वाटिका में, गमलों में, तो हमें समझना है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है। तो ऐसी अच्छी मिट्टी में कैल्शियम खाने वाले, मैग्नीशियम खाने वाले भी माइक्रोब्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव ऐसे अन्न द्रव्य जो ज्यादा हुए हैं उसको खत्म करके वापस मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर देते, तो हमारी मिट्टी, हमारे पौधे अच्छे बन जाते हैं। जब हम नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, खास करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, तब पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो शुद्ध करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो क्लोरीन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगी तब भी कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन वापस एक बार अगर उसमें सेंद्रिय कर्ब मतलब जैविक खाद अच्छा होगा तो क्लोरीन की मात्रा ज्यादा भी होगी तो हमें उतनी दिक्कत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे बैलेंस हो जाएगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैलेंस कर देंगे। तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारी मिट्टी की ऊपर की सतह हमें सफेद दिखाई देने लगती है, खास करके धूप में, तो हमें समझना है कि कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ गया है, हमें उसमें थोड़ा सा केचुआ खाद या फिर जैविक खाद उसमें डालना पड़ेगा। धन्यवाद। और भी कुछ सवाल होंगे तो आप उसको पूछ सकते हो। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि जो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ऐसा हमें कई बार लगता है कि ये तो बहुत ही सादा या फिर सरल सा सवाल है, ये कैसे पूछूं, बाकी के लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। कई लोग मेरे ख्याल से उत्तराखंड, हिमाचल से भी हैं। आपके यहाँ पे कैसे कोई पानी का व्यवस्था करते हैं उसके बारे में भी अगर आप जो बताना चाहेंगे, जो आपके यहाँ पे चलता है, जो आपने किया हो, जो हम लोगों ने इसमें लेक्चर में जिसका जिक्र नहीं किया होगा, तो आप भी जरूर शेयर कर लीजिए ताकि सबको पता चले। पहाड़ी इलाकों में कई बार पानी देने में बहुत समस्या आ जाती है, और उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सोच के उसके ऊपर हमें प्रयास करना पड़ता है। तो उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में ऐसी समस्याएं जरूर आती होगी आपको भी, तो ऐसी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप और कोई प्रश्न या कुछ नहीं होंगे, तो क्या अभी हम फिर समाप्त करें इसको, फिर अगली बार फिर से जब अगला सेशन के टाइम पे अगर पानी का या जो भी पिछले टाइम पे जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसके कोई प्रश्न होंगे आपके, तो जरूर लेके आइए, जरूर बातचीत करेंगे उसके बारे में। ओके, ठीक है। तो रंजीत जी, थैंक यू सो मच, आपने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अच्छा सेशन लिया है। इसके बारे में भी और भी जब लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे शायद तब कुछ और समस्या आएगी, कुछ और प्रश्न आएंगे, कुछ और सुझाव भी आएंगे, तो जरूर तब इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।